गुड मॉर्निंग, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर 6। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हमारे पास था कि किसी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उसे इंटीग्रेट कर लो या फिर गॉस लो। सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है बायो सावर्ट लॉ, जिसके अंदर हम एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर उस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। एक और तरीका है जिसके अंदर हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग निकाल सकते हैं कंपैरेटिवली आसानी से, और वो लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ध्यान से मेरे स्टेटमेंट लिखनी है आप लोगों ने, सिर्फ मैं लिख रहा हूं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल का एक नाम और होता है सर्कुलेशन फॉर क्लोज्ड पाथ। द लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड पाथ को हम लोग बाहर लेते हैं, इसे सर्कुलेशन कहते हैं। द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट and closed through that closed path। मैथमेटिकली इसे स्टेट किया जाता है बच्चों, B dot dl का closed path के लिए circulation, B dot dl line integral का मतलब length के along integration है। Gauss law में पढ़ा था surface integral, उसमें area का integration होता था, वहां था E dot ds है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इस स्टेटमेंट को ध्यान देख लीजिए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ये सब इसमें लिखा हम लोगों ने, ये सारा का सारा लिख रहे हैं फ्री स्पेस में वैक्यूम के अंदर। अगर मीडियम आ जाएगा तो म्यू आर लगा ही देंगे हम लोग, फॉर मीडियम इन मीडियम क्या आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, लेकिन वैक्यूम के अंदर बी डॉट डी एल यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम समेशन आई। अब इसको समझ लेते हैं कि लाइन इंटीग्रल करना है तो कैसे एम्पीरियन लूप लिया जाएगा। जो क्लोज्ड पाथ बोला गया है दैट क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस लिया करते थे, यहां पर हम लोग टर्म पढ़ेंगे एम्पीरियन लूप। तो क्लोज्ड पाथ का नाम होगा एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप जो हो सकता है वो सिमेट्रिक असिमेट्रिक कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो सिमेट्रिक चूज करना पड़ेगा। ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक हर कर्व के लिए वैलिड है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सिमेट्रिक कर्व लेंगे। क्यों? ताकि B dot dl में symmetrical होगा तो कोई B uniform हो जाएगा magnitude wise तो integration से बाहर आ पाएगा। same process से magnetic कर चुके हैं बच्चों, तो empirical loop symmetric लेंगे अगर magnetic field निकालना है, वरना valid ही दोनों के लिए, symmetric के लिए भी valid है और asymmetric के लिए भी valid है। check कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक empirical loop है। empirical loop में से कुछ current U pass out हो रहे हैं, धीरे-धीरे देखने आ जाएंगे आप लोगों को। जैसे ये I1 करंट जा रहा है, ये I2 करंट यूं जा रहा है, ये I3 करंट यूं जा रहा है, और आप इंटीग्रेशन इस रास्ते से करने वाले हैं। आपने रास्ता ये वाला चूज कर रखा है कि आप इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन इस रास्ते से करेंगे। इस रास्ते से करेंगे तो I1 और I2 दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे रेडियंट थ्योरम से, और I3 को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इस एम्पीरियन लूप के लिए समेशन I की वैल्यू I1 plus I2 minus I3 है।
ये आई भी क्रॉस कर गया, ये आई भी क्रॉस कर गया और ये आई थ्री इस तरफ से आ रहा है। मान के चलिए कि ये एम्पिरियन लूप जो है वो एक सीव छन्नी जैसा है, छन्नी जैसा है, तो ये चीज पूरी क्रॉस कर गई है। अगले एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एम्पिरियन लूप है जिसमें करंट यू आ के आपने यू वापस भेज दिया, तो यहां का सेशन आई कितना कहलाएगा, यहां का सेशन आई कहलाएगा जीरो। और आपके पास कोई स्ट्रक्चर ऐसी बन जाए, मान लीजिए कि उसके अंदर ये करंट यू आ के वापस यू आ रहा है, तो अब समेशन आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अब समेशन आई की वैल्यू बन जाएगी, ध्यान से सोच समझ के देखिएगा, वो आएगी -2i। चेक करें -2i क्यों लिखा, ये i भी क्रॉस हो गया और ये बाहर से क्या क्रॉस हुआ, तो इस लूप में अनक्रॉस 2i है। लेकिन -2i क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सर्कुलेशन मैं इस साइड का दे रहा हूं, सर्कुलेशन u यानी कि i अपोजिट जा रहा है, तो यहां का समेशन आई बना -2i, यहां का समेशन आई बना 0, क्योंकि i आपके क्रॉस नहीं हुआ, वापस लौट गया। मैंने क्या कहा, इसको छन्नी जैसा सपोज करना है और छन्नी में से पानी निकल जाना चाहिए। समझ में आ गया आप सबको, ये ऐसा नहीं कि ऐसा रह जाए। इस केस का स्पेशल है कितना बना, आप सबको समझ में आ गया, ये इसी के अंदर एंटर करवा के यहां से बाहर निकाला हमने, ये समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को कि ये इस लूप के अंदर से टर्न होके आ रहे हैं। दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट समेशन आई। समेशन आई कैलकुलेट करना आएगा तो ये सारी चीज बन जाएगी। ये वाला जो एरो है आप लोग जो लगा रहे हैं एम्पिरियन लूप का, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये बी की डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें बी डॉट डीएल करना है। तो जनरली ये जो डायरेक्शन होती है इट इज डायरेक्शन ऑफ बी, जनरली इट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। समझ में आ गया होगा, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए, एम्पिरिक सर्किट लो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज सर्कुलेशन फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड थ्रू दैट क्लोज पाथ। ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। इसको पॉज करके नोट करें, आगे देख रहे हम लोग इस चीजों को, आगे देखें। एम्पीयर सर्किट लॉ की बात चल रही है, अभी भी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं इसको, इसका देख लेते हैं प्रूफ। इस प्रूफ को बाद में एक एप्लीकेशन वाइज भी देखेंगे, पहले प्रूफ देख लीजिए। स्टेटमेंट प्लस ये वाला प्रूफ मिलके 2 से 3 वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रूफ के लिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि इससे r डिस्टेंस पर, चाहे वो पॉइंट यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, हर जगह पर b सेम होगा, और b की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। अब यहां पर ये r डिस्टेंस पर है तो एक पॉइंट लिया हमने, इसका एक एम्पिरियन लूप दिया, इस लूप को हमने u बनाया जी। हमें मालूम है कि यहां पर b इनवर्ड होगा, b की डायरेक्शन सर्कुलर की फॉर्म u बनेगी, तो मैं अब इसका लाइन इंटीग्रल लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, b एट डिस्टेंस r वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r होगा, किस तरफ, इसी लूप के अलोंग होगा। इसको यहां से रेज करके सब ये शो कर रहा हूं कि ये सामने की साइड में पीछे से आ रहा है, ये i यहां से निकल के यहां से निकल गया। अब हम लोग b डॉट dl की वैल्यू लिख रहे हैं, b डॉट dl का क्लोज पाथ के लिए सर्कुलेशन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। बहुत गौर से देख लीजिएगा इस बात को, ध्यान से समझ लीजिएगा जो कह रहा हूं। b डॉट dl में हर जगह पर bdl cos 0 बनेगा, कारण देख लेते हैं, अगर b भी इधर ले रहा हूं और dl भी इधर ही जा रहा हूं, तो b और dl के बीच के एंगल हर जगह पर 0 डिग्री रहेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। वेट कीजिएगा,
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, जो प्रूव करना है फिलहाल बी निकालना है, इसको प्रूव करना है तो इक्वल टू कुछ ही रखना, इसी को प्रूव करो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लोज पाथ के लिए सर्कुलेशन, बी की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इंटीग्रेशन विल बी ऑफ dl फॉर क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के लिए सर्किल पर ही बी यूनिफॉर्म था, इसलिए बी की वैल्यू यूनिफॉर्म रख के बाहर निकालनी है। dl का इंटीग्रेशन पूरे क्लोज लूप के लिए कितना बन जाएगा बच्चों, 2πr। तो 2πr से 2πr कैंसिल हुआ तो प्रूव हो गया कि b डॉट dl की वैल्यू क्लोज पाथ के लिए म्यू नॉट आई के बराबर होती है। अनक्लोज करंट आई ही तो था, इसके अंदर एम्पियर लूप लगाया नहीं है, एम्पियर लूप को प्रूव करना था। समझ में आ गया आप सबको बात बच्चों, कैसे हमने इस लॉ को इस एग्जांपल से प्रूव कर दिया। हालांकि इसका प्रूफ अलग तरीके से लिखा जाता है लेकिन वो प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंपल बेसिक सा प्रूफ एक एप्लीकेशन हमने इसका लिया है, ध्यान से नोट कर लीजिए और यही आपको लिखना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लेते हैं, इसी चीज को उल्टा कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन की डिमांड सपोज करो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ। में पहली एप्लीकेशन लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आसान सा आर्टिकल है ये वाला, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, एक एम्पीरियन लूप लेना है, ऐसा एम्पीरियन लूप जिसके हर पॉइंट पर बी सेम हो। क्यों बी सेम हो, ताकि इंटीग्रेशन से बाहर आ पाए। आपने ये एक क्लोज लूप लिया आर रेडियस का, क्योंकि आपको आर डिस्टेंस में बी की वैल्यू निकालनी है। तो एम्पियर लॉ यूज करना है, तो देखिए कैसे एम्पियर लॉ यूज करेंगे। सेम यही बात लिखनी है, पहले प्रूफ की फॉर्म में लिखी थी, अब इसका यूज करेंगे। तो यही सारी बात को लिखना, चेक करते जाएं। B dot dl का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ के लिए इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। हर जगह पर B और dl के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो इसको आप क्या लिखेंगे, BDL cos 0, क्लोज पाथ के लिए सर्कुलेशन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू आई है। बी हर जगह पे यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन 2πr, तो बी की वैल्यू कितनी आई आपके सामने है बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इट इज द वैल्यू ऑफ बी। आगे आप समझ में कि कैसे बी को डिफाइन किया गया है। समेशन आई को ध्यान से देख लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो ये था पहली एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट अनलॉक की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमने भी। आगे देखें एप्लीकेशन देख रहे हैं एम्पियर सर्किट अनलॉक कीजिए। बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, सर्कुलेशन क्लोज पाथ के लिए इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, इसी के एप्लीकेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, मान लीजिए ये आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है जिसकी विड्थ भी इनफाइनाइट है, ये अंदर की तरफ भी इनफाइनाइट शीट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट शीट है और इसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये डब्ल्यू विड्थ बोला है, इनफाइनाइट शीट है ये वाली, इसकी डायमेंशन ये वाली भी इनफाइनाइट है, अंदर की तरफ भी इनफाइनाइट है, बट जो करंट आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। और करंट क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है इसके लिए करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ इज लैम्डा। तो पूछा गया है इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
इस शीट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो तरीके हो सकते हैं कि एलिमेंट काट लो बराबर डिस्टेंस पे जाके उसका फील्ड लिख के पूरे के इंटीग्रेट कर लो, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन उससे आसान तरीका है एम्पियर सर्किट लो। दोबारा से देख लीजिए इसकी डायमेंशन इस तरफ इनफाइनाइट है, जैसे मानिए ये आपके पास शीट होगी, ये इनफाइनाइट लॉन्ग यू भी है, करंट यू बाहर आ रहे हैं, इस तरफ भी इनफाइनाइट, इस तरफ भी इनफाइनाइट और करंट ये बाहर की तरफ आ रहा है। यूनिट विड्थ में करंट कितना बताया जा रहा है, यूनिट विड्थ में करंट बताया जा रहा है लैम्डा। अब यूनिट विड्थ में करंट लैम्डा है तो पहले यहां का मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर लो किस तरफ होगा, इस रीजन में यहां का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। तो क्रिस्टल क्लियर याद रखिए कि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं आएगा इस तरफ, कैसे आया, यहां पर जो एलिमेंट लोगे और यहां पर जो एलिमेंट लोगे इनके मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगे वो कैसे आएंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डीवी आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर डीवी आएगा। अब ये डीवी और ये डीवी के इधर के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इधर के कंपोनेंट नलीफाई हो जाएंगे, तो नेट बी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि डायमेंशंस इनफाइनाइट है तो हर जगह पे बी आएगा भी कैसा, यूनिफॉर्म। नीचे की तरफ b किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ b इस तरफ आएगा, क्योंकि जब एलिमेंट काट के इसका db लिखोगे इधर आएगा, इसका db किधर आएगा, तो db db कैंडिडेट इस तरफ b देगा। और ये b यूनिफॉर्म क्यों होगा, दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि डायमेंशन इनफाइनाइट है तो हर r डिस्टेंस पे b की वैल्यू सेम होने वाली है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ से ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा आर्टिकल है। मानिए आपने r डिस्टेंस पे फील्ड लिखना था, तो आपने एक l लेंथ का और किसी भी, क्योंकि r डिस्टेंस पे निकालना है तो 2r विड्थ का एक एम्पीरियन लूप लिया, ये एम्पीरियन लूप लिया आपने, ध्यान से देखिएगा, ये एम्पीरियन लूप लिया एल विड्थ का और ये एल लेंथ बोल दो, टू आर विड्थ बोल दो, ये थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है, ये डिस्टेंस भी आर और ये डिस्टेंस भी आर। अब ध्यान दीजिए इसके इस तरफ बी इधर है, हर तरफ बी इधर ही है, इस लूप का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। पहले समेशन आई कैलकुलेट कर लेते हैं, यूनिट विड्थ का करंट लैम्डा है तो एल विड्थ का करंट कितना आ जाएगा, लैम्डा है, तो करंट कितना आ गया हमारे पास, यूनिट विड्थ में करंट था लैम्डा तो एल विड्थ का करंट आ गया लैम्डा एल, यूनिट विड्थ का करंट लैम्डा तो एल विड्थ का करंट लैम्डा है। और ये सारा करंट क्लोज हो गया क्योंकि ये वापस लौट के इसी में नहीं जा रही है, यूं आ रहा है करंट, तो क्रॉस हो गया उस छतरी में से। अब ध्यान से देखिए इस पूरे रीजन में बी लेफ्ट में है और इस पूरे रीजन में बी राइट में है, तो इस बात को जो लिख रहा हूं चेक करना, बी डॉट डी एल का सर्कुलेशन क्लोज पाथ के लिए इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, इस सर्कुलेशन को ब्रेक कर रहा हूं, चेक कर लेना भैया, बी डॉट डी एल ए से बी के लिए, अब यहां क्लोज बदलवा देना क्योंकि ब्रेक कर रहे इस पर रास्ते को, यूं जा रहे हो तुम लोग, फिर बी डॉट डी एल किस पाथ के लिए, बी से सी पाथ के लिए, फिर b डॉट dl किस पाथ के लिए, c से d पाथ के लिए, b डॉट dl d से a के लिए इक्वल टू μ0 समेशन i, समेशन i लंदन निकाल चुके हो। अब ध्यान से देखना a से b पर b और dl a की डायरेक्शन में है तो ये आ गया bdl cos 0, हर एक बात को गौर से सुनते चले जाना, b और b c ट्रैक के लिए B और DL में एंगल 90 डिग्री है, पहचान लो, यहां BDL ये रहा और यहां B ये रहा और DL ये रहा, तो यहां का इंटीग्रेशन थीटा 90 होने की वजह से क्या बन जाएगा, BDL cos 90 यानी 0। CD प्रोसेस में B और DL के बीच का एंगल फिर से 0 डिग्री है तो BDL cos 0 CD के लिए प्लस DA के लिए BDL cos 90 फिर से बराबर μ0 λ, देखना भैया स्क्रीन तो नहीं कट गई मोबाइल में,
समझ में आ गया सबको। अब देखो ये दो इंटीग्रेशन तो हो गए जीरो, अब चेक करना ये भी r डिस्टेंस का भी और ये भी r डिस्टेंस का भी, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और b यूनिफॉर्म होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ये सब यहां लिख रहा हूं b बाहर a से b तक का dl का इंटीग्रेशन प्लस b बाहर c से d के लिए dl का इंटीग्रेशन c से d के लिए इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा l, dl का इंटीग्रेशन ln आ जाएगा, जो ये एल मान रखा था वो कट जाएगा, ये एल स्मॉल ही चल रहा है, तो स्मॉल एल लिखा हुआ है ये कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। क्या सबको समझ में आ गई वैल्यू कैसे निकाली है म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, इसके इस तरफ बी इधर है और इस तरफ बी इधर है, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 इस शीट की वजह से फील्ड। अब मैं आपके सामने तीन डायग्राम बना रहा हूं, तीन डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा, तीन डायग्राम चेक कीजिए ये वाले। अगर ये आपके पास इनफाइनाइट साइज की एक लैम्डा डेंसिटी वाली शीट है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका भी आ गया म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 और इधर का भी आ गया म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, पहचानिए आर पे डिपेंड नहीं कर रहा कॉन्स्टेंट है, बी की डायरेक्शन कैसे दिखी ऐसे ही दिखी हुई, राइट हैंड थंब रूल लगा लो डॉट वाली बायस को पकड़ोगे तो मैग्नीट्यूड यूं ही आएगा, तो यहां का भी इधर, ये पहला क्वेश्चन दिया मैंने। अगर ये क्रॉस वाली वायर हो, क्रॉस वाली शीट हो का मतलब इस शीट में करंट बाहर नहीं अंदर जा रहा है, तो अब यहां का फील्ड किधर होगा, तुमको देखो तार को यूं पकड़ूंगा तो यहां का भी इधर आएगा, यहां का भी इधर आएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगी जी, कितनी आएगी म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए किसी का ध्यान से। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि ये दो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स हैं विच आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, which are placed parallel to each other, इस शीट का नंबर वन, इस शीट का नंबर टू, तो बहुत ध्यान से सीखिए, b की वैल्यू r पे डिपेंड नहीं कर रही बता दिया है, तो यहां पर b1 तो इस तरफ होगा लेकिन b2 इस तरफ होगा, चेक करो डॉट वाला फील्ड ये रहा एक्सप्रेशन का और क्रॉस वाला फील्ड ये रहा एक्सप्रेशन का, r पे तो डिपेंड नहीं करता, तो यहां का b1 b2 बराबर और अपोजिट है, तो यहां का बी नेट कितना बन जाएगा जीरो, इस रीजन में आ जाओ, इस रीजन में डॉट पकड़ रखा है तो यू बी वन इस तरफ आएगा और क्रॉस वाला बी टू भी इस तरफ आएगा, तो यहां पर बी नेट बी वन प्लस बी टू से आएगा, ध्यान देखिएगा मैं जो बता रहा हूं, इस रीजन में आ जाओ, ये ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, सी पॉइंट पर बी वन इस तरफ है और बी टू इस तरफ है, दोनों बराबर तो फिर जीरो हो गया, अंदर का फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट लैम्डा, कि म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 कितना बनेगा म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट लैम्डा तो बनेगा। अब ध्यान से इस चीज का फाइनल आंसर लिख रहा हूं, चेक कर लें, यहां भी जीरो प्रूव हो चुका था और यहां का भी जीरो प्रूव हो चुका है और यहां का भी प्रूव हुआ है इस तरफ, और विच इज यूनिफॉर्म म्यू नॉट लैम्डा, क्या तुम्हें इसको देख के कैपेसिटर की याद आई, क्या कैपेसिटर के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट थी नेगेटिव प्लेट थी तो अंदर का फील्ड कितना आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसने शुरू से एप्सिलॉन अपॉन में आ रहा था, ये तो शुरू से म्यू नॉट गुना में आ रहा है, म्यू नॉट लैम्डा सिमिलरिटी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आप इस तरह के सिस्टम का यूज कर सकते हैं जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहें। तुम सबको समझ में आ गया कैसे किया गया, क्लियर हुआ सबको?
ध्यान से इस एप्लीकेशन को नोट कर लीजिए बच्चों, आसान सी एप्लीकेशन है, इस शीट की वजह से जो फील्ड निकलता है, नोट कर लीजिए इसको।